सहस्रकोटी युगधारणे नमः। श्री विष्णु के इस श्लोक के साथ आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो लेकर इंजीनियर से प्रोफेशन को कैसे सेलेक्ट करें, हाउ टू सेलेक्ट प्रोफेशन थ्रू लेकर एंटीना। तो हमारे साथ व्योम शर्मा है और इन्होंने ट्वेल्थ करने के बाद इनको लाइन अपनी सेलेक्ट करनी है कि किस लाइन में जाना है। और इस उम्र में आदमी बालक कोई भी हो कंफ्यूज ज़्यादा होता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ पता नहीं होता है कौन सी लाइन मेरे लिए अच्छी रहेगी। अब इन्होंने बहुत सारी लाइनें सेलेक्ट कर ली है जो जो इनके माइंड में थी या जिसमें इनका इंटरेस्ट बन रहा था। तो इनके जो हाथ से लिखी हुई जो प्रोफेशन की लाइन है वो भी वाइब्रेट करती है और ये जो इंस्ट्रूमेंटल है एंटीना ये भी क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का डिवाइस है जो कि एनर्जी को ही रीड करता है। तो जो एनर्जी है, जो क्षमता है व्यक्ति के अंदर वो किस लाइन की है वो थ्रू दिस डिवाइस जो है हम सेलेक्ट करेंगे। करना कैसे है उसका तरीका ये है कि ये जो मास है मास को केबल से कनेक्ट करेंगे और ये जो है व्योम जी के हाथ में देंगे। आपने इसको ऐसे पकड़ना है, इसको दबा ये इनके हाथ से ये कनेक्ट हो गया और इसमें राइट होल पे हमने इसको जो इंसर्ट किया और ये लेकर एंटीना जो है हैंडल टाइट किया और 3.3 वेव लाइन पे ला करके न्यूट्रलाइज प्रीवियस रीडिंग, पिछली रीडिंग को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद इसको लाते हैं 2.5 वेव लाइन पे और इसमें क्या होगा कि जो ये यश की लैंग्वेज है शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, यस ऐसे जाए, शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, तो देयर विल बी नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब हमको सेलेक्ट करना है प्रोफेसर। अब इन्होंने जो इन सिल्प पे जो जिन्हें अलग अलग प्रोफेशन लिखे हैं और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विच प्रोफेशन इज बेस्ट, इनके भविष्य के लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, जो इस पर्ची पे लिखा हुआ है क्या इज इट बेस्ट प्रोफेशन, इज इट बेस्ट। तो देयर इज नो मूवमेंट इट मीन्स नो, आंसर इज नो, तो ये आपका हमने रिजेक्ट कर दिया ये वाला स्लिप। उसके बाद जो है ये दूसरी स्लिप है व्योम शर्मा के लिए, क्या ये प्रोफेशन करेक्ट है। तो इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है तो इसको अलग कर दिया और ये स्लिप है क्या व्योम शर्मा के लिए ये प्रोफेशन करेक्ट है, ये भी नहीं आ रहा है, क्या ये व्योम शर्मा के लिए प्रोफेशन करेक्ट है, इसमें ये मूवमेंट दिखा रहा है तो इसको फिलहाल इधर कर देते हैं। और इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, प्रोफेशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। इसमें मूवमेंट दिखा रहा है तो इनके जो सिलेक्शन में दो ही आ गए और ये लास्ट वन है। तो इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। अब हमने क्या किया कि अब हम देखते हैं कि इनके प्रोफेशन कौन से सिलेक्ट हुए हैं जो कि इनकी सबकॉन्शियस एनर्जीज के साथ मैच कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर उसने भविष्य में क्या बनना है उसके जेन्स अवेलेबल होते हैं और उसी तरह से वो डायरेक्शन बनती है और स्थितियां बनती है। तो अब व्योम जी का जो एक एक आया है फाइनेंस, फाइनेंस मतलब इस लाइन में भी आप जा सकते हैं फाइनेंस का, और दूसरा जो स्लिप है इनका स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये अच्छे क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स में इनकी रुचि भी है और खेलते भी हैं, तो स्पोर्ट्स की लाइन भी बन गई और एक फाइनेंस की लाइन बनी। अब हम दूसरे भी देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या क्या लिखा था, ये भी चेक कर लेते हैं। आपकी लाइन सेलेक्ट हो गई है या तो स्पोर्ट्स या फाइनेंस, ठीक है, दोनों चीजें साथ में चला सकते हैं। अब इन्होंने एक और लिया था इवेंट प्लानिंग जो फेल हो गया,
एक इन्होंने लिखा बिजनेसमैन बनने का, वो भी रिजेक्ट हो गया। और एक इन्होंने लिखा था क्लब ओनर, ये भी रह गया है। फिर एक इन्होंने लिखा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये भी नहीं हुआ। और एक इन्होंने लिखा था डैड सुपर, पापा का बिजनेस, ये भी रह गया है। और एक इन्होंने लिखा है सर डिजाइनर, ये भी रह गया। तो कहने के बाद इन्होंने चॉइस काफी अच्छी रखी है, पर सेलेक्ट दो हुई है फाइनेंस और स्पोर्ट्स। ओ शर्मा